नशा एक मीठा जहर है, इससे बचना है और औरों को भी बचाना है, नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। ऐसी बातें सुजानपुर के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों को सिखाई गई। चतुर रिजर्व बटालियन जंगल वैरी के सौजन्य से नशा मुक्ति को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट सुनील कुमार ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर बटालियन के जवानों द्वारा नाटक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नशे के कुप्रभावों से बचने के तरीके बताए और संदेश दिया कि नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, खुद भी बचना है और औरों को भी बचाना है। इससे पहले स्कूल में पहुंचे कमांडेंट सुनील कुमार का स्कूल प्रबंधक ने स्वागत किया। अपने संबोधन के दौरान कमांडेंट सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस के सौजन्य से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत स्कूलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को जागरूक करके प्रदेश से नशे के खात्मे को लेकर जागरूकता लाई जा रही है। उन्होंने बटालियन के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से बटालियन के जवान नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नाटक रूपांतरण के तहत जागरूकता ला रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। सुनील कुमार कमांडेंट ने बताया कि बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नशा निवारण की मुहिम छेड़ी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि नशे करने से आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि नशा करने वाला इंसान चोरी की गतिविधियों में भी शामिल रहता है और नशा न मिलने वाले व्यक्ति को गलत कार्यों में शामिल हो जाता है। आज हम ये इसका आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर में कर रहे हैं, उसके साथ ही आईटीआई में भी आज इसका आयोजन होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि नशा एक जो अभिशाप बन चुका है, एक बीमारी बन चुकी है, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हम ये अभियान हर जगह चलाएं और विशेष करके इसलिए हमने स्कूलों को चुना है। एक हमने विशेष इस चीज में आकर्षण जो जोड़ा है नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से, तो इस माध्यम से हम अपना संदेश इनको देना चाह रहे हैं। और हमने अपनी चतुर्थ भारत आरक्षित वाहिनी की तरफ से भी हमने एक विशेष नुक्कड़ नाटिका का एक हमने गठन किया है, जो कि स्कूलों में जाके इसके माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि नशे से क्या क्या बुराइयां हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। और हम अपनी तरफ से पुलिस वाले भी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे उनको पकड़े और अपराध से रोकें, लेकिन फिर भी जब तक हम आम जनता को, बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इस बीमारी से बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए ये विशेष अभियान हमने चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम यानी कि पुलिस वाले हर स्कूल में जाकर या अन्य जगह लोगों को मिला रहे हैं, ताकि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा अभिशाप जो हमारे समाज को पीड़ित कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसके प्रति सबकी संवेदना को जगाया जाए या सबका आह्वान किया जाए कि इससे कैसे दूर रहें। तो इसी संक्षेप परिप्रेक्ष्य में हम हर जगह स्कूल में जा रहे हैं, हमारे अधिकारीगण जा रहे हैं और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपनी बटालियंस में, जो हमारी 6 बटालियन है, कुछ बटालियंस में नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से, जो विशेष आकर्षण हमारा है, वो माध्यम है हमारा नुक्कड़ नाटिका, तो उसके माध्यम से भी आपको कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे। और मैं भी ज्यादा बहुत लंबा आपसे भाषण नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेन आपका आकर्षण जो है हमारी जो नाटिका उसी में होगा, लेकिन कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा या आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मंजरी पी महाजन कार्यकारी प्रधानाचार्य ने बताया कि नशा करना बच्चों के लिए हानिकारक है और इससे पैसे, धन और समय की बर्बादी होती है, जिससे नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। उन्होंने हिमाचल पुलिस विभाग को भी धन्यवाद करते हुए कहा कि नशे करने से बच्चे के कुप्रभावों के बारे में अवगत करवाने पर उनका आभार व्यक्त किया।
ये जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये हिमाचल पुलिस की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। और हमारे साथ कमांडेंट हैं सुनील कुमार जी, उनका विशेष योगदान है इस मुहिम में, वो आगे आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं समझती हूँ कि इस ढंग से जो ये छोटी छोटी लघु नाटिकाओं के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, विशेषकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं, इससे निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। और अब पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये डिपार्टमेंट भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो गया है। देखिए, नशा निवारण के लिए इस विद्यालय के प्रांगण में बहुत से कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। बहुत बार क्विज प्रतियोगिताएं, डेक्लामेशन या लघु नाटिकाएं बच्चे प्रस्तुत करते हैं, तो इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते किए जाते रहे हैं इस विद्यालय में। लेकिन आज हमारे लिए ये प्रोग्राम ज्यादा महत्व रखता है, ये हमारे लिए ज्यादा विशेष है, क्योंकि आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है और हमारे बीच।